स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। इनकम टैक्स को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि इनकम टैक्स भरने वालों के लिए लगी लॉटरी। इन लोगों को अब नहीं देना होगा टैक्स। वित्त मंत्री इस दिन करेंगे ऐलान। जी हां, तो देंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको बता दें, इनकम टैक्स की मेडिकल क्लास से लेकर ऊपर क्लास तक सभी के लिए एक जरूरी टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बड़ा बदलाव करने जा रही हैं। आपको बता दें, टैक्स भरते हैं या फिर आप लैब में आते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि इस बार केंद्र सरकार टैक्स इस लैब में किस तरह के बदलाव करने वाली है। तो वही सरकार 2023 में 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। आइए आपको बताते हैं इस बार सरकार का टैक्स को लेकर क्या है प्लान। इस समय 2.5 लाख रुपए तक का इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्लान बना रही हैं। यानी इस बदलाव के बाद ही आप अपनी इनकम 5 लाख रुपए तक कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना होगा। आपको बता दें, इससे पहले आखिरी बार साल 2014 में इनकम टैक्स की लिमिट में बड़ा बदलाव किया गया था। उस समय पर यह लिमिट 2 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। इस बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो वही मोदी सरकार 2023 में अपने दूसरे कार्यक्रम पर फुल बजट पेश करेंगे। अगले साल बजट के करीब 13 महीने के बाद ही आम चुनाव का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि इस बार सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। तो वही सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर सुझाव मांगे थे। न्यू टैक्स रिजिव में किसी सुधार की गुंजाइश है, इसको लेकर चर्चा भी की गई है। तो वही सरकार नई और पुरानी दोनों ही तरह की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर सकती है।